हम आ गए हैं बुलेश्वर मार्केट में, जहाँ की चीज़ें ब्राइडल थिंग्स के लिए काफ़ी मशहूर हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम आ चुके हैं बुलेश्वर मार्केट, जहाँ पे चूड़ा, लहंगे, ज्वेलरीज, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, यहाँ पे आप जब जैसे ही बुलेश्वर मार्केट में एंटर करते हो, आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे, लाइक अनलिमिटेड शॉप्स दिखेंगे। आपको फुटपाथ पे भी काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। सो यहाँ पे जो चीज़ स्टार्ट होगी ना, आई टेल यू, 5 रुपीज़ से आपको बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग हो जाएगी। सो ये हम टॉकिंग अबाउट ज्वेलरीज एंड एक्सेसरीज, जो 5 रुपये से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे मैं पर्स जो आपको दिखा रही हूँ, ये आपको 100 रुपीज़ से स्टार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। 100 to 200 का मिल जाएगा, एंड 200 to 400 का आपको अच्छे क्वालिटी का मिल जाएगा। सो काफ़ी प्यारे प्यारे एंड नए टाइप के बैग्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पे पॉपेट वाला बैग भी आपको मिल जाएगा, अगर आपके घर में बच्ची या बच्चा है। काफ़ी फेमस चल रहा है पॉपेट बच्चों के लिए। सो अगर आप बैग लेना चाहते हो तो डेफ़िनेटली यहाँ से ले सकते हो। और बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हो, काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिज़ाइंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो इस पर्स की प्राइस थी 350 रुपीज़। वो अंकल 400 बोला था, बट 350 में देने के लिए रेडी था। देन यहाँ पे अलग अलग टाइप की क्रंचेस मिल जाएंगी। सो ये वाले स्टॉल पे भी आपको 10 रुपये से स्टार्ट चीज़ मिल जाएगी। आई गेस 5 रुपीज़ से ही मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो बच्चों के लिए भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरीज देखने मिलेंगी, बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आपको देखने मिलेंगे। सो अगर आप आपके घर में शादी है या फिर आपकी खुद की शादी है, तो आई टेल यू, प्लीज़ विज़िट हियर। आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने मिलेंगे, जो आपको नॉर्मल मार्केट में भी देखने मिलेंगे, बट वहाँ के रेंजेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। सो आई सजेस्ट आप यहाँ पे ज़रूर एक बार आए अपनी शादी के पहले। आई बेट ऑन दैट कि आप ना वहाँ पे वापस से ज़रूर जाओगे कि मुझे और भी सामान ख़रीदना है। अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हो तो आई सजेस्ट एक बड़ा सा बैग कैरी करो, क्योंकि छोटे बैग में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ब्राइडल शॉपिंग के लिए जा रहे हो। सो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे जो कान के हैं वो 50 रुपीज़ से स्टार्ट है। छोटे वाले झुमके आपको 30 रुपीज़ से स्टार्ट में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे बैग के बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ब्राइडल वाले भी मिलेंगे, देन नॉर्मल ऐसे ऑफिस गोइंग भी मिल जाएंगे। सो ये वाला बैग जो है वो 500 रुपीज़ का था, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बड़े बड़े बैग्स जो होते हैं ऑफिस जाने के लिए, जिनमें आपको सामान कैरी करना होता है, या फिर बच्चे हैं आपके साथ तो आपको सामान कैरी करना होता है, तो उस टाइप के लिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे बैग मिल जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्लच मिल जाएगा, छोटे वाले जो पर्स होते हैं वो मिल जाएगा। देन चूड़ियाँ जो है उनके लिए तो मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं। यहाँ पर आपको एक से एक चूड़ियाँ देखने मिलेंगी, लाइक आप कौन सा कलर चाहते हो या कौन सा डिज़ाइन चाहते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। देन यहाँ पे एक ये शॉप है जहाँ पे आपको हर एक तरह का ज्वेलरी मिलेगा, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, रैदर देन लोकल मार्केट में जो प्राइस है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। देन यहाँ पे आपको लहंगे के भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ देखने के लिए मिलेंगे, बट लहंगा लेना है तो आई सजेस्ट मंगलदास या फिर हिंद माता मार्केट आप जाओ। एंड एक्सेसरीज़ लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पर विजिट करो। सो यहाँ पर जो स्टॉल आप देख रहे हो, यहाँ पर 100 रुपीज़ से ज्वेलरीज़ की स्टार्टिंग है, यानी कि जो नेक पीसेज है वो, एंड कान के जो है वो 30 से 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 200-400 जैसा आप हैवी में जाते हो वैसा। एंड ये वाला जो नेक पीस है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक ये सिल्वर ऑक्सीडाइज में है, इसमें आपको कमरबंद भी है, यहाँ पे 100 रुपीज़ से स्टार्ट है ये भी स्टॉल। बहुत प्यारे प्यारे एक्सेसरीज़ मुझे ये लगे, जैसा कि आप देख सकते हो। देन ये एक पर्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप ब्राइडल में कुछ वेस्टर्न आउटफिट ट्राई कर रहे हो तो ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। देन यहाँ पे अगेन आपको अगर डिज़ाइनर लहंगा सिलवाना है किसी अपने फ्रेंड से, आपकी कोई फ्रेंड है फैशन डिज़ाइनर है, उससे आपको सिलवाना है या किसी दर्जी से सिलवाना है, तो आप यहाँ पे आपको बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे, अलग अलग वेराइटीज़ के स्कार्फ एंड चुन्नीज़ मिल जाएंगी डिज़ाइनर वाली। देन जैसा कि मैंने कहा था, आपको यहाँ पर बहुत वास्ट वेराइटी का पर्स यानी कि क्लच का शॉप या स्टॉल दिखेगा, बहुत सारी वैरायटीज़ दिखेंगे। ये सारे पर्स जो है वो 300 से 400 तलक में आपको मिल जाएंगे। सो ये जो कलरफुल वाले स्क्वायर वाले पर्स है काफ़ी चल रहे हैं, एंड अब तो पुराने भी हो चुके हैं। सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्स मिल जाएंगे। सो अगर आप ब्राइडल के लिए कुछ पर्स वगैरह लेना चाहते हो, तो आई मस्ट से कि आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। सो अगेन यहाँ पे ये सारे पीसेस आपको 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ से स्टार्ट में मिल जाएंगे, छोटे वाले जो हैं वो 100 रुपीज़ से मिल जाएंगे, देन बड़े वाले
आई मीन छोटे वाले 50 से एंड बड़े वाले 100 से मिल जाएंगे। देन यहाँ पे आपको ब्राइडल ज्वेलरी भी मिल जाएंगे जैसा कि आप देख रहे हो बॉक्स में। सो चूड़ा तो ऑफकोर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ के मिल जाएंगे। सो यहाँ पे शॉप्स में काफ़ी अच्छे लहंगे मिल जाएंगे, लेकिन अगेन वो एक्सपेंसिव होंगे। सो अगेन आप देख सकते हो चूड़ियाँ बहुत सारी वेराइटीज़ के, आप महाराष्ट्रियन हो या फिर जयपुरी ब्राइड हो, लाइक मारवाड़ी ब्राइड हो या यूपी बिहार कहीं से भी हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे पीस यहाँ पर मिल जाएंगे। देन आपको स्टोर करने के लिए ज्वेलरी बॉक्स भी यहाँ पर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग पैटर्न के लेस मिल जाएंगे, लटकन मिल जाएंगे, जो ऑफकोर्स आपके ब्राइडल वेयर को और चार चांद लगा देते हैं। ऑफकोर्स हैवी लटकन, हैवी बॉर्डर्स चाहिए ही होते हैं, लहंगा या फिर साड़ी जो भी आप पहनते हो ऑफकोर्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपको नीड है लहंगे के लिए या फिर आपके किसी भी स्टिचिंग मटेरियल के लिए, हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ज्वेलरीज मिल जाएंगे, नॉर्मल लोकल से थोड़े महंगे पड़ेंगे बट वहाँ की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। देन आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी काफ़ी देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं। देन अगेन आपको किसी के लिए गिफ्ट लेना है, पर्स या फिर वॉच, वो भी आप ले सकते हो। आप देख सकते हो कितना सारा यहाँ पे है एंड द रेट इज़ सीरियसली 100 रुपीज़ से स्टार्ट। सो यहाँ पे आपको हर एक अल्टरनेट शॉप के बाहर लहंगे या फिर यू नो इंगेजमेंट वेयर देखने को मिलेगा। देन शूज़ भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ब्राइडल से नॉर्मल वेयर किसी भी तरीके का आपको चाहिए आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो वेजेस फ्लैट एवरीथिंग यू विल गेट हियर। सो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑलमोस्ट आपको सब जगह पे वही देखने मिलेगा। बट अगर आप यू नो हर जगह पे थोड़ा सा देख के एंड ख़रीदते हो, एंड सबसे मेन चीज़ आपको बार्गिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स वो ज़्यादा रेट ही बोलते हैं देन वो कम करते हैं। जहाँ पे फिक्स रेट होता है उनका प्राइस फिक्स होता है एंड वो एक्चुअली अच्छे रेट में सारी चीज़ें देते हैं। सो अगर आपको बार्गिंग करनी आती है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाए या फिर किसी बड़े को अपने साथ लेके जाए जिनको बार्गिंग करना अच्छे से आता है। सो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी एंड किफ़ायती मिलेगी। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, गहनों से लेके यानी कि ज्वेलरी से लेके पहनने की चीज़ें, वेजेस, शूज़, आपको एवरीथिंग यू विल गेट हियर। ये स्टॉल पे भी आपको 10 रुपीज़ से स्टार्ट चीज़ें मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे ईयरिंग्स है तो यहाँ पे छोटी सी बड़ी हर एक चीज़ें हैं। आप बड़ी ईयरिंग्स लोगे तो आपको 150 या 100 या फिर 200 तक मिल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे सब कुछ लाइक जो छोटी छोटी है ये आपको 10 रुपीज़ से स्टार्ट मिल जाएगा। सो अगेन यहाँ पे चूड़ियाँ आपको बहुत सारी देखने मिलेंगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत सारी चूड़ियाँ देखने मिलेंगी। देन इस तरह के जो चोकर पीस है आजकल बहुत चल रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगे जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो गाइज आई होप आप इस वीडियो को इंजॉय कर रहे हो एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। ऑफकोर्स वेडिंग सीज़न चालू है, चाहे आप लड़के वालों की तरफ से हो या फिर लड़की वालों की तरफ से या फिर ब्राइडल हो या ब्राइड हो, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली विज़िट करें। आप निराश होकर नहीं जाओगे अगर आप अभी तक यहाँ पे नहीं अगर गए हो तो, आपको तो पता ही होगा। सो गाइस कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना एंड येस आप मेरे हॉल्स एंड इस मार्केट विजिटिंग वाले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हो, सो मैं इसलिए इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट मैं मेकअप की वीडियोस भी साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा बेस वही था। सो गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग फैट थम्स अप एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। सो या आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग।